गंदगी नू कूड़े दान में पाइए। गंदगी नाल वधे बीमारी, स्वच्छता दी करो त्याग। सब तो पहला सारे नू मेरे वालों प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं हमेका सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल चंडा खुर्द जमात 12वीं की विद्यार्थी हाँ। मैं धन्यवाद करती हाँ सारे अध्यापकों का, संबंधित अधिकारियों का, सरकार का, जिस करके अज स्वच्छता संबंधी मैनू अपने विचार साझे करने का मौका मिला है। स्वच्छ भारत मुहिम या क्लीन इंडिया मिशन भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने लिए की गई एक पहल है। इस मुहिम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 के महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के मौके पर की गई। इस मुहिम की शुरुआत राजघाट नवी दिल्ली विखे की गई। इस मुहिम के जरिए भारत सरकार ने 2019 तक भाव महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का टीचा रखा। यह मुहिम देशभक्ति तो प्रेरित राजनीतिक मुक्त मुहिम है। इस मुहिम ने विश्वव्यापी पद्धर से लोगों को अगे बढ़ने लिए प्रेरिया है। बहुत सारे अध्यापक ते विद्यार्थी इस मुहिम के बढ़ चढ़ के खुशी नाल उत्साह नाल अपना योगदान दे रहे हैं। इस मुहिम के तहत यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक मुहिम शुरू की, जिस विच उन्होंने मार्च 2019 के अपने सारे सरकारी दफ्तर पान गुटका ते होर तंबाकू पदार्थों के सेवन से पाबंदी लगाई। असीं सारे ही कहने कि स्वच्छ भारत बनाओ, पर मेरा विचार है कि सानू स्वच्छ भारत की बजाय स्वच्छ इंसान बनाना चाहिए है, क्योंकि जदों तक साडा इंसान ही स्वच्छ नहीं होगा उदों तक साडा देश साडा वातावरण किवें स्वच्छ हो सकता है। आप सब ने इन तिना बीमारियों के नाम सुने होंगे, करोना, मलेरिया ते डेंगू। ते इन तिना बीमारियों का इको एक इलाज है स्वच्छता। करोना तो बचने के लिए हाथ धोवो, मास्क पहनो ते आपसी दूरी बना के रखो। मलेरिया तो बचने के लिए मच्छरों तो बचो, ते मच्छरों तो किवें बचा जा सकता है, कूड़े करकट के ढेर ना लगाओ, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दवो। तो इसी तरह कुछ डेंगू का हाल भी है। तो इन तिना बीमारियों के फैलन का भी इको एक कारण है गंदगी। जो गंदगी असी फैला रहे हैं, गंदगी अपने आप तो पैदा नहीं होंगी, जे असी गंदगी फैलावे तो ही गंदगी फैलनी है। सरकार तो बहुत उपराले कर रही है, थान थान कूड़ेदान लाए जा रहे हैं, पर उन्होंने कूड़ेदानों का इस्तेमाल तो असी करना है। NGOs उपराले कर रहे हैं, डॉक्टर भी समझा रहे हैं कि स्वच्छता रखो, पर जदों तक साडे देश का हरेक आम आदमी हरेक आम नागरिक इस मुहिम प्रति जागरूक नहीं होगा उदों तक ना ही तो साडे देश नूं ते ना ही साडे वातावरण नूं स्वच्छ बनाया जा सकता है ते ना ही इन्हां बीमारियों तों बचा जा सकता है। असीं सारे नकारात्मक पक्ष तो वेखदे हाँ, पर सकारात्मक पक्ष देखना भी जरूरी है, जिस नाल लोगों नूं अगे वधण लई प्रेरिया जा सकता है। इस मुहिम प्रति बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं ते जागरूकता नूं अगे वधा रहे हैं, वातावरण की सांभ संभाल रखते हैं। जिवें कि हुशियारपुर डिवीजन दे विच 3.5 लाख बूटे लाए गए सी, तो इस तरह ही जागरूकता भारत के कोने कोने में किसी ना किसी रूप में अगे वधदी जा रही है। पर लोड़ है इस जागरूकता अगे वधाउण दी, लोड़ है निश्चय करन दी, ये ठानन दी कि असी भी इस मुहिम दे विच अपना पूरा योगदान देवांगे। सो अंत में मैं 2 लाइनां राही धन्यवाद करती हाँ। साफ सफाई है महाअभियान कि साफ सफाई है महाअभियान, साफ सफाई विच दिओ सारे अपना योगदान, साफ सफाई विच दिओ सारे अपना योगदान। धन्यवाद।